हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है करिश्मा ब्लॉग्स पर। तो आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग तैयार हो चुके हैं फिर से, क्योंकि आज वही सॉन्ग है हमारा फिर से। ये अभी लेट आई है तो इसको हम तैयार कर रहे थे, ये लेट हो गई आज बेचारी को, तबीयत खराब है उसकी। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग तैयार हो चुके हैं। सुषमा दीदी ऐसे ही जा रही है, अरे बेचारी का गला खराब है, खांसी चल रही है, ये तो चल ही रहा है खांसी जुखाम। ये गेम के कीड़े दो, इतनी भी लत मत लगाओ कि गेम में पागल हो जाए। तो भैया लोग भी आ चुके हैं, सामने बैठे हैं रूम पे। चलो भैया हम लोग चले, हो गया वो किसका गजरा गिर गया, चले हो गए। नहीं मैं साल में भी अच्छा गाना लाओ, लेकिन कौन सा देखिए। तो आप लोग बने रहिए, हम बताएंगे आज दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, तो हम बताएंगे यहाँ पे पहुँच के आपको दिखाएंगे वो लोकेशन, शायद बहुत अच्छी है, तो बने रहे मेरे चैनल पे। तो दोस्तों अब हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने सभी सामान पैक कर ली हूँ। ये देखो ये रख ली हूँ पूरी व्यवस्था करके, ये देख सकते हैं आप। तो बलराम भैया आप भी जा रहे हो? बलराम भैया नहीं, बादाम भैया, बादाम भैया नया नाम का उद्घाटन हुआ है। कैसे पड़ा बादाम भैया, कैसे पड़ा? करिश्मा अभी बादाम से बादाम बलराम भैया बोली था, कब बोली भैया बादाम भैया सुनाई दो। दीदी ने यहाँ नाम ही रख दी बलराम भैया का, बादाम भैया, बादाम भैया, अब हम बादाम भैया बोलेंगे। राम राम भैया, इनको लग गया है मास्क, पता नहीं कोरोना आ गया। मैं तो ऐसे ही जाऊंगी क्योंकि पूरी खराब हो जाएगी। ऐसे ही नहीं जाते हैं, सब देखने लगेंगे कि हमने मास्क लगा लिए। बहुत जन हो रहे हैं। हटो हटो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने आपको एक स्कूल दिख रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और अच्छा स्कूल है फर्स्ट स्टेप, जो धर्म टेकड़ी के साइड में पड़ता है नीचे साइड। तो हम लोग निकल चुके थे क्योंकि हमको जाना था नेर जमुनिया। यहाँ देख सकते हैं आप मैंने लगाया हुआ है मास्क, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया था इसीलिए। तो अब हम लोग यहाँ पे चले ही जा रहे थे, चले जा रहे थे तो देख सकते हैं ये आ गई है निरमा फैक्ट्री, जो छिंदवाड़ा की बहुत ही फेमस और बहुत ही मशहूर फैक्ट्री है। तो हम लोग को जाना था नेर जमुनिया, तो हम उसके लिए निकल गए थे आगे। अब हम लोग यहाँ पे चले ही जा रहे थे, चले जा रहे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक और मंदिर पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा फेमस और प्रसिद्ध है, यहाँ पे बहुत मान्यता वाले लोग आते हैं। अब हमको उतना तो पता नहीं है। और ये देख सकते हैं आप ब्रिज आ गया है, अब इसके आगे हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ मिला था हमको एक ट्रक जो बहुत ही भयानक लग रहा था, बस अब हम यहाँ पे चले जा रहे थे। ये आ गए हम सारनाथ, तो सारनाथ में हमने चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। इसमें एंट्री मारे, वहाँ पर एक मंदिर भी आया था। तो अब देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं रिंग रोड, तो यहाँ पे हम लोग को कटना था उस साइड। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जा रही है गाड़ी प्याज। हम भैया मैं बोल रहे थे कि एक बोरी गिर जाती, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे गिर जा, भैया बोल रहा था मत गिर मत गिर। तो हम लोग बोलते कि गिर जाएगी तो अपने लिए फ़ायदे की बात है, हमने बोले घर रख लेंगे। तो यहाँ आगे पर जो बोट लगा आप देख सकते हैं, हमको उसके आगे जाना था तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। अब भैया मेरे से बोलता है कि मेरे को मोबाइल दो, क्योंकि हम लोग कर रहे थे भैया लोग का इंतज़ार, बहुत देर हो गई थी इसलिए भैया ने मेरे से मोबाइल मंगा और उस भैया को कॉल किए। तो फर्स्ट बार तो कॉल नहीं लगा भैया को, फिर सेकेंड बार एक और बार लगाए थे तब भैया का कॉल उठा। तो भैया ने उनको बोला कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो हम लोग को भैया बता रहे थे जहाँ तक कि उतना तो मेरे को मालूम नहीं क्योंकि भैया ने बात किया था। तो भैया बोलते हैं थोड़े आगे पे जाना है हमको, फिर भैया इधर किधर देखा और गाड़ी स्टार्ट किया उसकी। तो आप देख सकते हैं भैया के बाल झड़ चुके हैं, आधा टकला हो गया है वो। तो हम लोग निकल जाते हैं यहाँ पर, फिर हमको यहाँ पे थोड़ी आगे जाने के बाद हमको मिलते हैं एक भैया और एक आंटी। आप देख सकते हैं ये देखिए
तो हम लोग भैया उनसे कुछ बातें कर रहा था, शायद रोड के बारे में पूछ रहा था कि इधर से आगे जाना, मेरे को वो गांव का नाम तो मालूम नहीं था। तो हम लोग आसपास देखते हुए जा रहे थे कि हमारे साथी लोग किधर रह गए हैं, बस उनको ही देखते जा रहे थे और बातें करते, बहुत मस्ती करते हुए जा रहे थे। आप देख सकते हैं साक्षी तो पूरी उंगन देव है, क्योंकि वो उंगती उंगते गई थी और उंगती उंगते आई है। तो आप लोग देख सकते हैं साक्षी ने पीछे पलट के देखा है, फिर हम लोग भी देखने लगे कि ये बार बार क्यों पलट के देख रही है। फिर हमको दिखे भैया लोग जो सुषमा के साथ बुलेट में चले आ रहे थे, हमको इतनी हंसी आ रही थी, उनका इतना मजाक बनाए थे हम लोग ने, क्योंकि बहुत मजा आई थी। फिर वो भी स्पीड में चले ही आ रहे थे, चले ही आ रहे थे। तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वो आ गए हमारे पास, बहुत पास आ गए थे ये देखिए। और भैया तो भैया फुल ही तैयारी में आए थे, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कपड़े तो देखो भैया बुलेट में, ये देखिए पबजी और क्या एक चित्र बनाया पुष्पा राज, अरे बाप रे बहुत बड़े फैन है लगता उन लोगों के, इसलिए उनने ये शर्ट पहन के आया। फिर हम यहाँ पे उनका मजाक उड़ा रहे थे, वैसे मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए सॉरी भैया, लेकिन यहाँ पे बहुत मजा आ रहा था हमको। तो हम लोग भैया बोल रहे थे कि हाँ चलो चलो आगे चलो, फिर यहाँ पे आगे की ओर चले ही जा रहे थे। चले यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे अंग्रेजों की जेल थी बोलते भैया बता रहे थे हमको, वो सुषमा दीदी को बताते हुए जा रहे हैं। फिर यहाँ हम आ जाता है ये रोड, तो क्या कहते हमको यहाँ कटना था, ये मोड़ है तो यहाँ कटना था हम लोग को, आगे और आगे जाना था। तो हम लोग बस आगे चले जा रहे थे, ये पहाड़ी देख सकते हैं आप, ये पहाड़ी आ गई, हमको यहीं डांस करना था सॉन्ग का, यहीं था शूट, यही लोकेशन है। तो हमने पूछे भैया से कि किधर साइड से जाना है, तो भैया बोलते कि आगे से है इसका रास्ता। तो यहाँ पे रुक जाते हैं हम लोग, भैया लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं कैसा क्या करना है, फिर ले ऊपर लें या फिर यहीं पे लें। तो फिर हम लोग यहाँ से फिर से निकल जाते हैं, भैया बोलते पहले ऊपर ले लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं लोकेशन पर, यही लोकेशन थी। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर मंदिर है और ये बैठने का स्थान है। अभी और लोग नहीं आए, उनका वेट कर रहे हैं, तो हम लोग तो पहुंच चुके हैं, अब आराम करेंगे हम। बैठ जाओ। वाओ क्या पहाड़ी है, ये है रोड, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी के ऊपर, आप देख सकते हैं पहाड़ी चढ़ना पड़ेगा, हर जगह पहाड़ी चढ़ना पड़ता है, क्या करें। अजय साक्षी क्यों खड़े होके देख रहे हो, चलो ना। ए भाई इधर फिसलन बहुत है, इसलिए आराम से चढ़ना पड़ रहा है हमको, अगर फिसले तो नीचे। चलो थक गए, चलो बैठ जा थोड़ी देर।
चल देख चलाऊंगा, चल के देखूंगा। ये पता नहीं कहाँ चल रही है। चढ़ गई, फट रही है। आज कितनी तारीख है? आज तारीख कितनी है? तारीख कितनी है? खतरनाक रास्तों से चलते हैं हम। अरे भैया, यहाँ क्या सुरंग है? मंदिर है। सुरंग टाइप लग रहा है। सुरंग कितनी पर है? मान रही हूँ मैं, थक गई। वाओ यार, यहाँ से कितनी अच्छा सीन लग रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ से। वाओ, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैदान से घूमती हूँ, मुझे डर लग रहा है। ये देख सकते हो क्या लोकेशन है यार, वाओ मस्त लग रहा है। इधर एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अरे उन लोग तो आई नहीं, थक गई लग रहा। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे डांस करेंगे। चलो आपको उधर भी दिखाती हूँ, उधर से और अच्छा सीन दिखेगा। वो देखो भैया आ रहे हैं। देख ली। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना अच्छा, कितना प्यारा लोकेशन दिख रहा है, कि तो मस्त लग रहा है यहाँ पे। रोल भाई देख, यहाँ पे भी अपन शूट कर सकत रहे, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वो उधर गए, आगे गए। आगे चल गए, यही देख गए थे। दोस्तों मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये लोकेशन, कमेंट में जरूर बताइएगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और भी बताऊंगी, अभी डांस होगा हमारा, क्योंकि अभी बताई थी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, जो गाड़ी आ रही थी उन लोग नहीं आए थे, लेट हो गए हैं। तो उन लोग आएंगे, अभी चढ़ेंगे पहाड़, तो टाइम हो जाएगा थोड़ा, और फिर हमारा सॉन्ग स्टार्ट हो जाएगा। बस वो आ जाए, फिर रेस्ट होएगा थोड़ा, फिर स्टार्ट गाना, हमारा सॉन्ग स्टेप सब स्टार्ट हो जाएगा, डांस वगैरह। यहाँ पे अच्छा लग रहा है मेरे को, अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लेकिन इधर से ज़्यादा उधर अच्छी आ रही थी हवा ठंडी ठंडी। तो अभी इधर से मैं उधर ही जाऊँगी, क्योंकि उधर बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और मेरे को ठंडी हवा बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लाइक इट। तो आपको बताइए कि ये सब पहाड़ों में जाकर और ठंडी हवा लेने का आपको भी मजा आता है, किस किस को अच्छा लगता है, मतलब हाय क्या हवा चल रही है, वाह बहुत अच्छा लग रहा है इधर। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है,
लेटते हैं अपन, देखने की भी अच्छी खासी व्यवस्था है यहाँ पे। मेरे को ये गड़ गए, ऐसे पहाड़ों में और ठंडी हवा हो साथ में तो किसको मजा नहीं आएगा यार। सही में प्लीज कमेंट में मेरे को बताइएगा कि किस किस को पसंद है पहाड़ों में जाके हवा ले, हवा का आनंद लेना। तो आप देख सकते हैं उन लोग आ गई हैं। तो बहुत ले लिए हमने हवा का आनंद, तो अब चलते हैं दीदी की ओर, क्योंकि उधर जाके हमको डांस की प्रैक्टिस भी करना है और थोड़ा अपना मेकअप सेकअप कर लें, क्योंकि वैसे मैं मेकअप तो करती नहीं हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ठीक है तो चले, थोड़ा पाउडर वाउडर लगा देंगे। तो आप दिखाएंगे भैया आपको, क्योंकि मैं तो चली डांस करने के लिए है ना। बादाम भैया ये रहा डांस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बलराम भैया हमारे डांस स्टेप दिखा रहे हैं। वहाँ देखो सुषमा दीदी बैठी हुई है, वो हमको बता रही थी कैसी स्टेप करना कैसी नहीं, बहुत चिल्ला रही थी हमको सेम सेम करना है करके। तो हमने बलराम भैया को पकड़ा दिया है मोबाइल कि ये दिखाओ भैया करके। अब देख सकते हो यहाँ पे राजा भैया खड़े हैं, देखना रील्स के लिए हमारी वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमें अभी रेस्ट का टाइम मिला है, तो हम लोग रेस्ट कर रहे हैं अभी। देखो रेस्ट करने के लिए हम लोग छाए पे आ गए हैं। हाँ 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 हाँ, थोड़ा रेस्ट करा जाएगा। देखो आज हमारा अलग लुक है, लाओ पानी दो ना। आएगा आएगा जाएगा बढ़िया है ना। हाँ यही कर लो रेडी। हाँ भाई तो ले रहा हूँ मैं, बोल तो नहीं मैंने कहाँ से शुरू से गाते क्या। हाँ शुरू से पहले एक बार देख लेते हैं, एक बार सुनाते जाओ और भैया को दिखाते जाओ। तो यहाँ देख सकते हैं आप राजा भैया का डांस स्टार्ट हो चुका है। उनकी डांस स्टेप में मेरे को इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी, हम सब लोग हंस हंस के पागल हो गए थे। पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पावर के साथ उन्होंने पूरा डांस को किया और सॉन्ग भी गाया, हमको इतनी हंसी आ रही थी। यहाँ आ गया हमारा डांस, हम भी कर करके स्टेप जमा रहे थे एक्सी की, हमारी स्टेप पूरी एक्सी जाए। तो हमको भी बहुत मजा आ रहा था और बहुत डांट भी पड़ रही थी हमको। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम एक्सी स्टेप कर रहे थे तो बहुत मजा आया। तो दोस्तों यहाँ का शो हो चुका है खत्म, तो हम लोग अब जा रहे हैं नीचे। नीचे लेंगे रोड पर शूट लेंगे एक, और एक शॉट लेंगे हम बुलेट में। तो हम लोग अब नीचे जा रहे हैं यहाँ से वापिस नीचे की ओर। पर अच्छा लगा हमको ये लोकेशन, बहुत अच्छा है। तुम लोग पकड़ के लेके आना राजा भैया, बना दो लोग पकड़ के लेके आएंगे और दो लोग नाचेंगे। देख सकते हो हम लोग ने सामान देख लिया ना एक बार। चलो रे जा रहे हैं गाइस, जा रहे हो बुलेट वाला सीन बनाने। अब नीचे से आके आ रहे हैं पहाड़ के नीचे, सभी लोग बने रहे। चलो सभी लोग बने रहे हमारे चैनल में, हम बताएंगे आपको बुलेट में हम कैसा शॉट ले रहे हैं, कैसा बना रहे हैं। चलो बल्लू भैया, वो सॉरी बादाम भैया, काजू बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम। चल बहन का देख रही है मंदिर बनाने को राजा तो नहीं है भाई। आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग गिरते गिरते बचे हैं, अब लोग जा रहे हैं नीचे।
आ रही बहन लुढ़कते लुढ़कते। ये सीधी नहीं है, नहीं तो यहीं पे, क्योंकि इसमें अवड़ खबड़ है इसलिए नहीं जा सकते, नहीं तो चोट लग जाएगी ना, क्योंकि फिसलन बहुत है और हमको आराम से उतरना, अगर आराम से नहीं उतरे तो गिर जाएंगे हम। सब लोग पहुंच चुके हैं, बस हम ही लोग बचे इधर। मेरे पास इतना सारा वजन भी तो दे दिए, तो देख सकते हैं आप लोग आ गए हम नीचे पहाड़ के, जैसे तैसे जैसे भी है हम आ गए हैं। पे मिल गए थे मेरे फैन और राजा भैया के भी काफी अच्छे दोस्त थे वो, तो उनकी गाड़ी में हम लोग ग्रुप फोटो लेने लगे थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया गाड़ी हटा रहे हैं क्योंकि उनको फोटो लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पे हम ग्रुप में बैठ गए थे सब लोग चढ़ चढ़ के गाड़ी पे। अब यहाँ होता है मेरा सिंगल सूट, तो आप देख सकते हैं करीना मेरे को घूरी जा रही है, घूरी जा रही, लगता अंदर ही मन ही मन जल रही थी मेरे से, पता नहीं इसके अंदर। तो दोस्तों मैंने बांधी पगड़ी आप देख सकते हो, बट उतनी खास नहीं बनी है लेकिन अच्छी लग रही है, बट अच्छे से बांधना चाहिए था। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे हो चुका है सॉन्ग पूरा, सूट आज पूरा खत्म हो गया है, आज का सूट पूरा खत्म हो चुका है आप देख सकते हैं। अब जाने की तैयारी है क्योंकि अब शाम हो चुकी है और हमारा शॉट भी बहुत जल्दी ले लिए थे, तो पूरा सॉन्ग हो चुका है आप देख सकते हैं। यहाँ सब लोग वो भैया आए हैं, उनकी गाड़ी में हमने फोटो वोटो वगैरह सब लिए हैं। तो अब सब जाने की तैयारी है सबकी, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तो बने रहे मेरे चैनल पर, बाय।